मजा ही आ गया। हर रोज ट्रेनिंग ऐसी ही होनी चाहिए। बढ़िया, जम के खाओ, क्या पता तुम आखिरी बार खा रहे हो। कुछ नहीं कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, तुम बस पेट भर के खाओ और ऐसे खाओ जैसे कल कभी आने ही नहीं। क्या मैं बोला तूने? पता नहीं आप क्यों हंस रहे हैं और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता है, मुझे तो खाना मिल गया। तुम्हें शर्म है कुछ? लाइए लाइए शेफ, एक और बोल लाइए। अभी लो। एक और। ये लीजिए। आज तो सच में मजा ही आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया छिछोरे बाबा। चूतिया बनाया तुमको। भाग गए। थैंक यू। मेरे साथ अन्याय हुआ है। दिल भी खाली और पॉकेट भी खाली। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार। हाँ तो भुक्कड़, तुम्हारा पेट भर गया? मेरे साथ मजाक करना बंद करो, खाने का सारा पैसा आपको देना था। बेवकूफ लड़के, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें खिलाऊंगा? चूतिया बनाया तुमको। आपको ही मुझे खिलाना था क्योंकि आप मुझसे बड़े हैं। मेरे साथ अन्याय हुआ है। अच्छा नारुतो, क्या कोई लड़की है जो तुम्हें पसंद है? तू समझा? मैंने पूछा क्या कोई लड़की है जिसकी तुमसे बहुत अच्छी दोस्ती हो? मुझे पता नहीं, शायद वो वैसे है तो। प्यारी समझ गई, कह सकते हैं वो मुझे अच्छी लगती है। ओ, कौन है वो? कोई भी नहीं, बस सकुरा। क्योंकि तुम उसे देने वाले हो जादू की झप्पी। ये मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है। नहीं, पर अगर मैंने उसे हक किया तो सकुरा मुझे। नहीं, ये भी मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। उसे करने के लिए मुझे स्ट्रांग बनना पड़ेगा। पर वो मार मार के मेरा भरता भी बना सकती है। पर फिर भी अगर समनिंग जुत्सु सीखने के लिए मुझे ये करना पड़ता है तो मैं करूँगा। तो करना। पर कहीं सकुरा मुझसे? नहीं, पर शायद वो मुझे। अबे हटा सावन की घटा। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? वो बात ये है कि मैं। देखो अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो भूल जाओ, मैं तुम्हें वो नहीं देने वाली। गजब बेइज्जती है। अरे नहीं, पैसे नहीं चाहिए मुझे तो असल में। अरे कैसे बताऊं, अगर मैंने कह दिया कि ये मेरी स्पेशल ट्रेनिंग का हिस्सा है तो ये मेरा भरता बना देगी। अगर कुछ नहीं है तो मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं, एक मिनट रुको, बस यही सही मौका है। समझ रहे हो? सकुरा को हक करने का। तुम खुद को समझती क्या हो? दूर हटो। खत्म। मुझसे दूर रहना। वाओ, वेरी डेंजरस। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। क्या पंच था, दोस्ती में ऐसा ही होता है। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। क्या, ये क्या हो रहा है? तुम्हारी ट्रेनिंग यहीं खत्म होती है। हा? पर मैंने तो कुछ सीखा भी नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। इस पल से तुम्हारा सामना एक बड़े खतरे से होगा। खतरा? सही सुना, उस खतरे से बचने के लिए तुम्हें बहुत सारा चक्र रिलीज करना होगा। अच्छा, अगर खत्म नहीं होना चाहते तो ऐसा करना पड़ेगा अभी। अरे बाबा, तुम्हें समझना होगा, तुम अब सिर्फ नाइन टेल्ड फॉक्स के चक्र को ही इस्तेमाल कर सकते हो। इस चट्टान पर होकागे के स्कल्पचर्स बनाए गए हैं। अच्छा, और फोर्थ, इतना तो आप सब समझ ही गए होंगे। तंदु को देखकर लगता ही नहीं कि कभी वो ऐसे दिखते थे।